उत्तर प्रदेश में पेड़ के ऊपर रहने वाले बंदरिया बाबा को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग उमड़ रहे हैं। 60 की उम्र पार कर चुके इस बाबा के पास सीमेन यानी नर वानर जैसी क्षमताएं हैं। बहराइच की सुजोली में यह शख्स पेड़ पर ही खाता और सोता है। भगवा वस्त्र पहने एक साधु की वेशभूषा को धारण करने वाले इस शख्स को बंदरिया बाबा के नाम से जाना जाता है। इसका कहना है कि वह भगवान हनुमान का परम भक्त है और उन्हें कई खास गुण प्रदान किए हैं। बंदरिया बाबा ने कहा कि मेरे ऊपर भगवान हनुमान का विशेष आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे पेड़ पर चढ़ने की क्षमता प्रदान की है। मैं पेड़ पर रहता हूँ और पूजा व हवन करता हूँ। मैं यही सोता भी हूँ। मैं पेड़ की किसी एक शाखा पर बैठकर ध्यान भी करता हूँ। इस व्यक्ति को पीलीभीत जिले का मूल निवासी बताया जाता है और उसने हरिद्वार में कई साल बिताए हैं, लेकिन कोई उसका वास्तविक नाम नहीं जानता है। वह लगभग 4 महीने पहले बहराइच पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे यह कहकर भगा दिया कि वह कानून व्यवस्था के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर रहा है। लेकिन वह दोबारा वापस आ गया और अब उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने इलाके में भारी तैनाती की है। जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि उसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। आपको नहीं पता कि कब क्या हो जाए, हम चांस नहीं ले सकते। यह आदमी पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर रहता है, लेकिन मोबाइल पर बात करने से नहीं हिचकिचाता है। पुलिस ने कई बार उसे नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन उसने पेड़ पर से कूदने की धमकी दी। दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।